हेलो गाइस, हर हर महाकाल, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, भगवान की कृपा पे बनी रहें। तो आज शैल पुत्री माता का पहला दिन है, तो इसमें कथा आरती और विधि विधान से बताई गई हुई पूजा विधि भी बताई गई है, तो आप इसे ज़रूर देखिए मेरी इस वीडियो को और आगे जितना हो सके शेयर कीजिए। जय माँ शैल पुत्री माता, आप सभी का कल्याण करें। वीडियो के माध्यम से आप शैलपुत्री माता की कथा अवश्य जरूर सुने। या देवी सर्वभूतेषु मां शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम शैलपुत्री देव्यै नमः। आप सभी को शारदीय नवरात्रि के प्रथम दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मां भगवती जगदम्बा की कृपा से आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो। 3 अक्टूबर 2024, आज है गुरुवार का दिन और आज नवरात्रि का पहला दिन है। तो आज की वीडियो में आप सुनने वाले हैं माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की कथा और पूजा विधि। और अब आप सुनेंगे माँ शैलपुत्री की कथा। माँ दुर्गा को सर्वप्रथम शैलपुत्री के रूप में पूजा जाता है। हिमालय के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण उनका नामकरण हुआ शैलपुत्री। इनका वाहन वृषभ है, इसलिए यह देवी वृषारूढ़ा के नाम से भी जानी जाती है। इस देवी ने दाएं हाथ में त्रिशूल धारण कर रखा है और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। यही देवी प्रथम दुर्गा है, यही सती के नाम से भी जानी जाती हैं। और इनकी एक मार्मिक कहानी है। एक बार जब प्रजापति ने यज्ञ किया तो इसमें सारे देवताओं को निमंत्रित किया, भगवान शंकर को नहीं किया। सती यज्ञ में जाने के लिए विकल हो उठी। शंकर जी ने कहा कि सारे देवताओं को निमंत्रित किया गया है, उन्हें नहीं, ऐसे में वहां जाना उचित नहीं है। सती का प्रबल आग्रह देखकर शंकर जी ने उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। लेकिन सती जब घर पहुंची तो सिर्फ माँ ने ही उन्हें स्नेह दिया और बहनों की बातों में व्यंग्य और उपहास के भाव थे। यहाँ तक कि भगवान शंकर के प्रति भी तिरस्कार का भाव था। दक्ष ने भी उनके प्रति अपमानजनक वचन कहे। इससे सती को बहुत क्लेश पहुंचा। वे अपने पति का यह अपमान सहन न कर सकी और योगाग्नि द्वारा अपने को जलाकर भस्म कर लिया। इस दारुण दुख से व्यथित होकर शंकर भगवान ने उस यज्ञ का विध्वंस करा दिया। यही सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाई। पार्वती और हेमवती भी इसी देवी के अन्य नाम हैं। शैलपुत्री का विवाह भी भगवान शंकर से हुआ। शैलपुत्री शिवजी की अर्धांगिनी बनी। इनका महत्व और शक्ति अनंत है। और नवरात्रि के पहले दिन माँ भगवती दुर्गा के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माँ शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं, इसलिए इन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। और इनकी आराधना करने से सभी प्रकार के मनोवांछित फल की प्राप्ति हो जाती है। शास्त्रों के अनुसार माँ शैलपुत्री की पूजा करने से मन चाहे जीवन साथी की कामना पूर्ण होती है। तो अगर आपको मन चाहे जीवन साथी की कामना है तो नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की विधि विधान से पूजा जरूर करनी चाहिए। माँ शैलपुत्री धन धान्य सुख समृद्धि और यश की वृद्धि कराती हैं और भक्तों को मोक्ष प्रदान करती हैं। तो इसलिए नवरात्रि के पहले दिन जब हम कलश की स्थापना करते हैं और विधि विधान से माँ दुर्गा का आवाहन कर लेते हैं तो उसके बाद से माँ शैलपुत्री का ध्यान करके उनकी पूजा जरूर करनी चाहिए। और अब जानते हैं शारदीय नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा विधि के बारे में। देखिए, शारदीय नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा से पहले शुभ मुहूर्त में घट की स्थापना की जाती है। तो घट की स्थापना आप शुभ मुहूर्त में करें। और शुभ मुहूर्त है, देखिए, नवरात्रि का प्रारंभ 3 अक्टूबर को हो रहा है। 3 अक्टूबर को अर्धरात्रि में 12:18 पर प्रतिपदा तिथि का प्रारंभ होगा और प्रतिपदा तिथि समाप्त हो रही है 4 अक्टूबर की रात्रि में 2:58 पर। और इस बार कलश की स्थापना करने के लिए आपको 2 शुभ मुहूर्त प्राप्त हो रहे हैं। पहला शुभ मुहूर्त सुबह है, जो कि 6:15 से 7:22 तक रहेगा। और सुबह के कलश की स्थापना करने की जो कुल अवधि आपको प्राप्त हो रही है 1:06 की, इसी शुभ मुहूर्त में आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। मान लीजिए इस शुभ मुहूर्त में आप कलश की स्थापना नहीं भी कर पाते हैं तो अभिजीत मुहूर्त में कर सकते हैं। और अभिजीत मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है 11:46 से 12:33 तक। ये कुल समय आपको प्राप्त होगा 47 मिनट का। इस समय में भी आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त में हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसका शुभ फल हमें प्राप्त होता है। ठीक है, तो 2 शुभ मुहूर्त हैं, इनमें से किसी भी शुभ मुहूर्त में आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। 3 अक्टूबर को सूर्योदय काल का समय आपको प्राप्त हो रहा है 6:15 पर और सूर्यास्त का समय है 6:04 पर। राहु काल में कोई भी शुभ काम नहीं करना चाहिए, तो राहु काल का समय आपको प्राप्त हो रहा है 3 अक्टूबर 2024 को 1:30 से
दोपहर 3 बजे तक। इस समय में कोई भी शुभ काम नहीं कर सकते हैं। कलश की स्थापना हो या पूजा हो, राहु काल में नहीं करना चाहिए। और पहले दिन की पूजा से पहले आपको अपने घर की साफ सफाई अच्छे से करना है। घर में जिस स्थान पर आपको चौकी की स्थापना करनी है, उस स्थान को अच्छे से साफ कर लीजिए, गंगा जल का छिड़काव कीजिए। फिर उस स्थान पर आपको एक लकड़ी की चौकी बिछानी है और इसके ऊपर आपको लाल रंग का एक कपड़ा बिछाना है। और अब इसी चौकी पर आपको माँ दुर्गा की स्थापना करनी है। माँ दुर्गा का जो भी विग्रह है उसे उस चौकी पर विराजमान करके उनके दाईं तरफ कलश की स्थापना कर लीजिए और माँ के समक्ष एक शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। अब इसके बाद आपको गणपति की स्थापना करनी है तो आप एक पान के पत्ते पर सुपारी से भी गणपति बनाकर स्थापित कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो गणपति की अगर आपके पास कोई भी विग्रह हो, मूर्ति हो, तो आप उसकी भी स्थापना कर सकते हैं। माँ के बाईं तरफ गणपति की स्थापना करना है और दाईं तरफ आपको कलश की स्थापना करना है। अखंड दीपक अगर आप प्रज्वलित करना चाहते हैं शुद्ध घी का, तो वो आप माँ के दाईं तरफ स्थापित करेंगे। और अगर आप तिल तेल का दीपक प्रज्वलित करते हैं, अखंड दीपक तिल तेल का प्रज्वलित कर रहे हैं, तो माँ दुर्गा के बाईं तरफ स्थापित करेंगे। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो सबसे पहले भगवान गणपति का आवाहन करके उनकी पूजा कर लीजिए। और भगवान गणपति की पूजा आपको धूप, दीप, नैवेद्य, अक्षत पुष्प इत्यादि और भोग लगाकर, मतलब पंचोपचार विधि से आप भगवान गणपति की पूजा कर सकते हैं। लेकिन उनसे प्रार्थना कर लीजिए कि आपकी जो पूजा है 9 दिनों की, निर्विघ्न पूर्ण हो जाए। और इसके बाद से आपको कलश की पूजा करना है। अच्छा हाँ, कलश की स्थापना आपको किस प्रकार से करना है, देखिए, आपको एक पात्र लेना है। उस पात्र में आपको थोड़ा गंगा जल डालना है, फिर शुद्ध जल से उस पात्र को भर दीजिए। अब इसी पात्र में आपको सिक्का, सुपारी, अक्षत, लौंग, इलायची, ये चीज़ें डालनी है। और फिर इसके ऊपर पंच पल्लव रखकर पूर्ण पात्र रख दीजिए और इसी के ऊपर नारियल की स्थापना कर दीजिए। कलश की स्थापना करने से पहले कलश के नीचे आपको थोड़ा सा चावल जरूर रखना है। और हाँ, उसी चावल से आप चाहें तो अष्टदल कमल भी बना सकते हैं। और इसी प्रकार से जब आप माँ दुर्गा की मूर्ति या प्रतिमा स्थापित करेंगे तो उन्हें भी आपको चावल का आसन देना है, मतलब थोड़े से चावल माँ दुर्गा की मूर्ति या प्रतिमा के नीचे जरूर रखना है। अब कलश की पूजा पंचोपचार विधि से करने के बाद, जैसे कि धूप, दीप, अक्षत पुष्प इत्यादि कलश पर अर्पित करने के बाद, आपको मन में ध्यान करना है कि सभी देवी देवता इस कलश में विराजित हैं। सभी देवी देवताओं से आपको प्रार्थना करना है कि हे सभी देवी देवता, आप सब इस कलश में विराजित हो ताकि 9 दिन की माँ दुर्गा की जो पूजा है वो मैं संपन्न कर पाऊँ, मेरी पूजा में किसी प्रकार की विघ्न बाधा न आए और इस पूजा का शुभ फल मुझे प्राप्त हो, मेरे परिवार को प्राप्त हो। इस प्रकार से आपको सभी देवी देवताओं से प्रार्थना करके कलश में सभी देवी देवताओं का आवाहन करना है। इसके बाद आपको 9 ग्रहों का ध्यान करना है। आप चाहें तो 9 ग्रह की मूर्ति अगर आपके पास हो, जैसे कि छोटा सा यंत्र मिल जाता है 9 ग्रहों का, अगर आपके पास हो तो वही चौकी पर रखकर उसकी पूजा कर सकते हैं। या फिर आप चाहें तो चावलों की 9 जगह ढेरी बनाकर और इसे ही 9 ग्रह मानकर इनकी पूजा भी पंचोपचार विधि से धूप, दीप इत्यादि अर्पित करके कर सकते हैं। और ऐसा भी नहीं कर पाते हैं तो सिर्फ ध्यान कर लीजिए 9 ग्रहों का, जैसे कि सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बृहस्पति, शुक्र, बुध, शनि, राहु, केतु, इस प्रकार से 9 ग्रहों का अपने मन में ध्यान कर लीजिए। और इसके बाद अपने दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिए कि सभी 9 ग्रह शांत हों ताकि नवरात्रि की पूजा निर्विघ्न पूर्ण कर पाऊँ। देखिए, ये बहुत आवश्यक है क्योंकि माँ दुर्गा की पूजा बहुत विशेष होती है। अगर वो निर्विघ्न पूर्ण होती है तभी हमें उसका शुभ फल प्राप्त होता है। अगर बीच में कोई विघ्न बाधा आ जाती है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बहुत अधिक है। इसलिए माँ से प्रार्थना की जाती है, सभी देवी देवताओं से प्रार्थना की जाती है कि 9 दिनों की जो ये पूजा है पूरी तरह से निर्विघ्न रूप से हम पूर्ण कर पाएं। तो सबसे प्रार्थना आराधना करने के बाद हम माँ दुर्गा की पूजा करेंगे। माँ दुर्गा का आवाहन कीजिए, विधि विधान से उनकी पूजा कीजिए। देखिए, 1600 उपचार विधि से पूजा किस प्रकार से करना है मैंने पिछली वीडियो में आपसे शेयर किया है, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिए। तो अगर आप 1600 उपचार विधि से माँ की पूजा करते हैं तो आपको शुभ फल बहुत अधिक प्राप्त होता है। और बहुत आसान विधि है, मतलब सभी सामग्री आपके पास ही होती है, आप हर चीज़ अर्पित करते हैं, लेकिन बस उसको सही विधि से अगर हम अर्पित करें तो 1600 उपचार विधि उन्हीं सामग्रियों से हो जाती है। तो एक बार उस वीडियो को देखकर और 1600 उपचार विधि से पूजा करने का प्रयास कीजिए। आज नवरात्रि का पहला दिन है और माता शैलपुत्री आप सभी के जीवन में खुशियाँ लाए, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। तो बनी रहिए मेरी इस वीडियो में और माता रानी का आशीर्वाद हमेशा आप पे सदा ही रहे। तो जय माँ शैलपुत्री। अच्छा, अब जैसे कि आप पूजा माँ दुर्गा की कर लेते हैं तो माँ शैलपुत्री का अपने मन में ध्यान कीजिए। माँ शैलपुत्री का स्वरूप क्या है जिसका आपको ध्यान करना है? देखिए, माँ शैलपुत्री का रंग गौर वर्ण का है। माँ शैलपुत्री बैल पर सवार होती हैं और वे एक हाथ में त्रिशूल तो दूसरे हाथ में कमल का पुष्प धारण करती हैं। चंद्रमा उनके मस्तक की शोभा बढ़ाता है।
माँ शैलपुत्री का ध्यान करने से पहले अपने हाथ में पुष्प ले लीजिए और फिर माँ का ध्यान कीजिए। माँ का ध्यान मंत्र है, वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्ध कृतशेखराम वृषारूढ़ शूलधराम शैलपुत्रीम यशस्विनी। माँ का बीज मंत्र है, ह्रीम शिवाय नमः, ह्रीम शिवाय नमः। ये माँ का बीज मंत्र है। एक और मंत्र नोट कर लीजिए, ओम देवी शैलपुत्रै नमः। और अगला मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु माँ शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो इनमें से किसी भी मंत्र के द्वारा आप माँ शैलपुत्री का ध्यान कर सकते हैं, उच्चारण कर सकते हैं, और आप चाहें तो पूजा करते समय 108 बार माँ शैलपुत्री के किसी भी मंत्र का जप कर सकते हैं। विशेष रूप से माँ शैलपुत्री का जो बीज मंत्र होता है ह्रीम शिवाय नमः, इस मंत्र का यथासंभव जप अवश्य करना चाहिए। मतलब 11 बार 21 बार आप इस मंत्र का जप कर लीजिए, फिर इसके बाद से आप जो भी पढ़ना चाहते हैं, चाहे सप्तशती पढ़ रहे हो या फिर नवार्ण मंत्र का जप करते हैं, कोई भी पाठ या कोई भी मंत्र जप कर सकते हैं। माँ शैलपुत्री का आवाहन करके आपको विधि विधान से उनकी पूजा करना है। अक्षत, धूप, दीप, पुष्प इत्यादि सभी चीजें माँ को अर्पित कीजिए। माँ शैलपुत्री को कनेर का पुष्प बहुत प्रिय है, आप चाहें तो सफेद रंग के पुष्प भी माँ को अर्पित कर सकते हैं, या फिर लाल और पीले पुष्प भी माँ को बहुत प्रिय है। और माँ शैलपुत्री का प्रिय भोग है गाय का घी, तो पहले दिन माँ शैलपुत्री को गाय के घी से आप अभिषेक भी कर सकते हैं। मतलब जब आप माँ दुर्गा का अभिषेक करते हैं तो विशेष रूप से गाय का घी अवश्य अर्पित करें। नवरात्रि के पहले दिन माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री को दूध या फिर दूध से बनी हुई वस्तुओं का, दूध से बनी हुई मिठाइयों का भोग अवश्य अर्पित करना चाहिए। इसके अलावा माँ को फलों का भोग अर्पित करें। माँ शैलपुत्री के प्रिय रंग हैं लाल, सफेद और पीले, तो आप इनमें से किसी भी रंग के वस्त्र धारण करके पूजा कर सकते हैं। वैसे नवरात्रि के प्रथम दिवस पर लाल रंग के वस्त्र धारण करके माँ दुर्गा की पूजा सुहागिनी महिलाओं को जरूर करनी चाहिए। और हाँ, कुंवारी कन्याएं अगर मन चाह जीवन साथी चाहती हैं या फिर योग्य जीवन साथी चाहती हैं, तो ऐसे में सफेद रंग के वस्त्र धारण करके माँ शैलपुत्र की आराधना करें। इससे मन चाहे जीवन साथी की कामना पूर्ण हो जाती है। तो विधि विधान से माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा करके कपूर से उनकी आरती करनी चाहिए। और अब आप सुनेंगे माँ दुर्गा की आरती। ओम जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी मैया, जी को निश दिन ध्यावत तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी, मांग सिंदूर विराजत टीको मृग मद को, उज्ज्वल से दो नैना चंद्र बदन नीको। ओम जय अम्बे गौरी, कनक समान कलेवर रक्तांबर राजे, रक्त पुष्प गले माला कंठन पर साजे। ओम जय अम्बे गौरी, के हरि वाहन राजत खड़ग खपर धारी, सुर नर मुनि जन सेवत तिनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी, कानन कुंडल शोभित नासाग्रे मोती, कोटिक चंद्र दिवाकर राजत सम ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी, शुंभ निशुंभ विडारे महिषासुर घाती, धूम्र विलोचन नैना निसदिन मद माती। ओम जय अम्बे गौरी, 64 योगिनी मंगल गावे नृत्य करत भैरो, मैया नृत्य करत भैरो बाजत ताल मृदंगा अरु बाजत डमरु। ओम जय अम्बे गौरी, भुजाचार अति शोभित खड़ग खपर धारी, मन वांछित फल पावत सेवत नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी, कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती, श्रीमाल के तुम राजत कोटि रतन ज्योति। मैया जय अम्बे गौरी, श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी
भजत हरि हर स्वामी मन वांछित फल पावे, ओम जय अम्बे गौरी। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी। मैया जी को निश दिन ध्यावत, तुमको निश दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी, ओम जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी। माँ की आरती करने के बाद क्षमा प्रार्थना जरूर करनी चाहिए। तो दोनों हाथ जोड़कर माँ से क्षमा प्रार्थना करते हैं। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा दिन रात बहुत से अपराध होते रहते हैं। मुझे अपना दास समझकर मेरे उन अपराधों को आप कृपा पूर्वक क्षमा करिए। हे परमेश्वरी, मैं आवाहन करना नहीं जानता, विसर्जन करना भी नहीं जानता, तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानता। हे माँ, मुझे क्षमा करिए। हे देवी सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन अर्थात ना मंत्रों को जानता हूँ, क्रियाहीन अर्थात ना क्रियाओं को जानता हूँ, और भक्तिहीन अर्थात ना भक्ति के प्रकार जानता हूँ, तो मैंने जो मंत्रहीन क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है, वह सब आपकी कृपा से पूरे हों। सैकड़ों अपराध करने के बाद भी जो आपकी शरण में आके जगदम्बा कहकर पुकारता है, उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मा आदि देवताओं के लिए भी पाना आसान नहीं है। हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ, किंतु आपकी शरण में आया हूँ। इस समय दया का पात्र हूँ, आप जैसा चाहें वैसा करें। हे देवी परमेश्वरी, अज्ञानवश भूल से या बुद्धि भ्रष्ट होने के कारण मैंने जो भी न्यूनता या अधिकता कर दी हो, वह सब क्षमा करें और प्रसन्न हो। हे सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगन माता कामेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करें और मुझ पर प्रसन्न रहें। हे देवी सुरेश्वरी, आप गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हैं, मेरे निवेदन किए हुए इस जप को ग्रहण करिए, आपकी कृपा से मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो। इस प्रकार क्षमा प्रार्थना मंत्र के पाठ से दुर्गा माता आपके जाने अनजाने में हुए सारे अपराधों को क्षमा करेंगी और उनकी कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहेगी। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए अवश्य उपयोगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, और अगर संभव हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी, उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे। आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप ज़रूर शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक तो ज़रूर कीजिए। जय माँ शैलपुत्री माता।